जय हिंद दोस्तों। तो चलिए हम लोग आज जानते हैं कि फेसबुक का जो कवर आर्ट है वो आप लोग कैसे बना सकते हैं, जैसे हमने थंबनेल में बताया है। तो कवर आर्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पिक्सेल ऐप को ओपन करेंगे और इस ऑब्जेक्ट वाले सेक्शन को यहाँ पे हम लोग डिलीट कर देंगे और थ्री लाइन पर यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जाएंगे हम लोग नीचे में और फेसबुक कवर आर्ट का जो ऑप्शन है इसको यहाँ पे हम लोग क्लिक करके ओके दबा देते हैं। ओके दबाने के बाद हम लोग यहाँ पे जाएंगे साइड में और इसका जो है सो कलर पे जाके इसका जो है सो बैकग्राउंड हम लोग चेंज कर देते हैं और बैकग्राउंड को हम लोग यहाँ पे ब्लैक रखते हैं। तो ब्लैक रखने के बाद यहाँ पे हम लोग जाएंगे फिर से शेप में और शेप का जो है सो कलर यहाँ पे पिंक करके इसको जो है सो राउंड शेप हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। और राउंड शेप लेने के बाद यहाँ पे इसका जो है सो हम लोग देखिए आप लोग वीडियो में कि कैसे यहाँ पे किया जाता है, इसको कहाँ कहाँ पे सेट करना है। तो इसका जो है सो एक यहाँ पे शेप लेके साइड में यहाँ पे कोने पे देख लीजिए आप लोग कैसे वीडियो में रखे हैं। तो यहाँ पे इसको बेहतरीन तरीके से सेट कर लीजिएगा और सेट करने के बाद फिर से यहाँ पे कॉपी करके इसको जो है सो लॉक कर लीजिएगा और कॉपी करके दूसरा शेप जो है सो बना लीजिएगा। एक शेप लीजिएगा तो सारा का सारा आपका काम जो है सो हो जाएगा, उसी में कोई दिक्कत नहीं है। एक शेप से कॉपी कर करके जो है सो सारा आप लोग देख लीजिए कहाँ कहाँ पर लगाना है। तो एक साइड में लगा दिया, उससे थोड़ा सा बड़ा यहाँ पे इस साइड में लगाना है। उसके बाद फिर से इसको कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद जो है सो इसको कॉपी करने से पहले इसको देख लीजिए कितना छोटा हम लोग कर रहे हैं। तो छोटा करके यहाँ पे जो है सो इसको सेट कर लेते हैं, देख लीजिए कहाँ पे इसको सेट करेंगे छोटे वाले को। सेट करने के बाद फिर से यहाँ पे कॉपी पर क्लिक करके इसका जो है सो साइज को हम लोग फिर से छोटा करेंगे और दो यहाँ पे फिर से हम लोगों को साइड में इस साइड में नीचे की ओर दो लगाना है। तो इसको यहाँ पे फिर से कॉपी करके और नीचे यहाँ पे साइड में हम लोग यहाँ पे दो यहाँ पे लगा देते हैं और दोनों लगाने के बाद फिर से यहाँ पे कॉपी वाले बटन पर हम लोग क्लिक करेंगे और फिर से जो है सो दो और या टोटल जो है आप लोगों को मान के चलिए तो 7 या 8 जो है सो शेप लेना पड़ेगा। तो आप लोग कॉपी करके और जो है सो देख लीजिए वीडियो में कैसे करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए बड़ा वाला शेप यहाँ पे इसमें यहाँ पे रखना है, तो इसमें जो है सो हम लोग फोटो लगाएंगे। तो एक शेप यहाँ रख दिया, उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए बड़ा वाला शेप इस साइड में ऊपर में इस पे रख के और इसे थोड़ा सा और बड़ा जो है सो एक शेप उसके आगे हम लोगों को दे देना है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि वीडियो में कैसे लगाया है हमने, तो उसी प्रकार आप लोग देख करके आराम से वीडियो को और देख करके वीडियो को समझ लीजिएगा। तो सारे को जो है सो शेप को लगाने के बाद सारे शेप को हम लोग यहाँ पे लॉक कर देंगे ताकि हिलो डुलो नहीं। ये चीज़ सब कुछ कर लेने के बाद हम लोग यहाँ पे जाएंगे फिर से शेप पर, यहाँ पर क्लिक करके हम लोग यहाँ पे एक और नया वाला शेप जो है सो ले लेते हैं। तो इस शेप को जो है सो लंबा लेंगे और यहाँ पे एक डंटे की ओर मतलब लंबा एक जो है सो लाइन की ओर हम लोग को लेना है। तो उसको यहाँ पे देख लीजिए कैसे मैंने जो है सो इसको सेटिंग करके यहाँ पे ले लिया है। उसके बाद इसको यहाँ पे बीच में क्लिक करके आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पे कि कहाँ पे हम लोग क्लिक कर रहे हैं। उसके बाद इस पर क्लिक करने के बाद इसको सेट करके इसको भी यहाँ हम लोग लॉक कर लेते हैं। इसको भी यहाँ पे लॉक कर लेने के बाद जो है सो हम लोग आगे बढ़ते हैं वीडियो में। उसके बाद यहाँ पे प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके एक जो है सो विराट कोहली, यहाँ पे विराट कोहली सर का जो है सो फोटो ले लेते हैं। इसको यहाँ पे हम लोग 1:1 के एस्पेक्ट रेशियो में करके और यहाँ पे साइड में आप लोग देख रहे होंगे राउंड का कॉर्नर है, तो इस पर कॉर्नर में राउंड है, इस पर यहाँ पे क्लिक करके इसको जो है सो फोटो को राउंड कर लेंगे। और इस फोटो को राउंड करने के बाद छोटा थोड़ा फोटो को कर लेते हैं और फोटो को छोटा कर लेने के यहाँ पे हम लोग जाएंगे स्टोक में और स्टोक का इसका जो है सो हम लोग थोड़ा स्टोक को बढ़ा के 8 पर कर देते हैं और इसका कलर जो हम लोग येलो रखेंगे। और इसको आप लोग देख लीजिए कि कैसे हमने जो है सो सेट किया है, तो इस पर आप लोग सेट कर लीजिएगा अपने तरीके से। और सेट कर लेने के बाद यहाँ पे इसको भी हम लोग यहाँ पे लॉक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे पेंसिल वाले आइकन पर हम लोग क्लिक करेंगे, यहाँ पर ए पर क्लिक कीजिएगा तो ऊपर में प्लस का आइकन है, तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद जो टैक्स है यहाँ पे वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखना है विराट कोहली, तो यहाँ पे विराट कोहली लिखने के बाद इसका जो है सो कलर हम लोग येलो कर देते हैं। और कलर पर जाके येलो करने के बाद इसका फॉन्ट जो है सो हम लोग चेंज करके थोड़ा बड़ा फॉन्ट इसमें लगा देते हैं और इसका साइज को जो है सो हम लोग बढ़ा लेते हैं। साइज को बढ़ा लेने के बाद इसको देख लीजिए कि हमने कैसे सेट किया है, तो आप लोग भी इसी प्रकार जो है सेट कर लीजिएगा। और इसका विराट कोहली जो लिखे हुए हैं इसको फिर से आप लोग कॉपी करके एक नया जो है सो यहाँ पे टेक्स्ट और ऐड करके इसका भी जिस प्रकार से पीछे हमने बताया था उसी प्रकार से इसका भी जो है सो फॉन्ट और कलर को जो है सो चेंज करके यहाँ पे देख लीजिए कैसे वीडियो में बताया गया है, उस प्रकार आप लोग करके यहाँ पे इसको भी सेट करके लॉक कर दीजिए।
इतना काम कर लेने के बाद आप लोगों को जो है सो फिर से एक शेप वाले बटन पर क्लिक करके एक और शेप जो है सो लेना पड़ेगा, और इसको जो है सो पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करके इस प्रकार का जो शेप ले लेंगे, और इसका कलर जो है सो हम लोग यहाँ पे जो है सो पिंक रख लेंगे। और पिंक रखने के बाद इसको जो है सो हम लोग पहले सेट कर लेते हैं, तो आप लोग देख लीजिए कैसे सेट करना है। उसके बाद जो है सो हमने बताया था कि एक दो एक्स्ट्रा ले लीजिएगा शेप, उसको यहाँ पर हम लोग इसको यहाँ पर हम लोग सेट कर लेते हैं। तो इस शेप को सेट कर लेने के बाद यहाँ पे हम लोग ऊपर में जो है सो सभी को लॉक कर लेंगे, और लॉक कर लेने के बाद यहाँ पे ऊपर में जो लास्ट वाला जो है इसको यहाँ पे विराट कोहली जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक करके और नया एक टैक्स इसमें ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे फॉलो ऑन करके जो है सो टैक्स हम लोग ऐड कर लेते हैं, और इसका भी कलर हम लोग येल्लो रखेंगे। तो ये सब कर लेने के बाद सारा का सारा जो है सो आप लोग लॉक कर लीजिए, और एक और प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके एक और जो है सो PNG इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो वो PNG का जो है सो लिंक आप लोग को वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके लिए नो टेंशन। तो उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए उसको कैसे हम लोग सेट करते हैं। तो जहाँ पे आप लोगों को F और लास्ट में N है, तो इसी के दोनों के बीच में जो है सो इसको सेट करना है, और चारों को सेट कर लेने के बाद हमारा जो है सो ऑलमोस्ट बन के तैयार हो चुका है। और एक्सप्लोर पर जा करके सेव टू गैलरी कर लीजिएगा, और सेव टू गैलरी कर लेने के बाद यहाँ पे हम लोग गैलरी में जाएंगे और देख सकते हैं कि यहाँ पे कैसा किस प्रकार का बन के उभर के आया है। तो वीडियो अगर बढ़िया लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट।